नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। हमारे जो कोच हैं, हेड कोच गौतम गंभीर, वो बीसीसीआई को इतने कॉस्टली पड़े, मतलब इतने महंगे हुए कि हमारे कुछ बी ग्रेड और ए ग्रेड खिलाड़ियों का अगर सैलरी मिलाएंगे तो भी उनकी जो है सैलरी ज़्यादा है। आई मीन जो जिस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे वो आए हैं, वैसे हमारे यहाँ चार कैटेगरी में खिलाड़ी आते हैं, जैसे ए प्लस, फिर ए बी और सी। जो ए प्लस खिलाड़ी होते हैं उनको सालाना 7 करोड़ मिलता है सेंट्रक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक पे, और जो ए ग्रेड में रहते हैं उनको 5 करोड़, और जो बी ग्रेड में रहते हैं उनका 3 करोड़, और जो सी ग्रेड में रहते हैं उनको 1 करोड़ मिलता है। बट गौतम गंभीर इन सब से कई ज़्यादा हैं, मतलब शायद भारत के पहले कोच होंगे जिनका सैलरी इतना ज़्यादा है। गंभीर का सैलरी है 12 करोड़, और ये 4 साल का इनका अनुबंध है, मतलब 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल तक ये रहेंगे, इंडिया के साथ बने रहेंगे। मतलब ये हमारे ए प्लस खिलाड़ी से भी ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, ये चारों ही ए प्लस कैटेगरी में आते हैं, और इन चारों का जो 7 करोड़ है, बट इनसे ज़्यादा गौतम गंभीर लेते हैं। और ए कैटेगरी में आते हैं रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या, और इन सब का सैलरी है 5 करोड़। देन उसके बाद आते हैं बी ग्रेड, बी में आते हैं सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षय पटेल, यशस्वी जायसवाल, इन लोगों को जो है 3 करोड़ सालाना मिलता है। और उसके बाद आता है ग्रेड सी, ग्रेड सी में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, हर्षदीप सिंह, के एस भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान, रजत पाटीदार, सरफराज खान एंड ध्रुव चुरड़, ये सब जो है सी ग्रेड के खिलाड़ी, और इनको सालाना जो है 1 करोड़ मिलता है, और अक्सर इनको ज़्यादा मैच खेलने को नहीं मिलता, तभी ये सी ग्रेड खिलाड़ी, जैसे अच्छा परफॉर्मेंस होता जाएगा तभी ग्रेड बढ़ता जाता है इनका। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।